गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है, ऐसे सदगुरु को मेरा प्रणाम है। सात समुद्र की मसीह करूं, लेखन सब बदराए, सब धरती का गद करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। आज गुरु पूर्णिमा है, इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर अपने एवं संसार के समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ एवं उनके सुंदर स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना करता हूँ। वैसे हर माह की पूर्णिमा तिथि को शास्त्रों में काफी पुण्यदायी माना गया है, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इसके अलावा इन्हें श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र मीमांसा 18 पुराणों का भी रचयिता माना जाता है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। आज ही के दिन भगवान शिव ने हिमालय के कांति सरोवर झील के तट पर सप्त ऋषियों में योग का ज्ञान दिया था और अपने को आदि गुरु के रूप में स्थापित किया था। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारा लालन पालन एवं पोषण करते हैं। सांसारिक दुनिया में हमें प्रथम बार बोलना चलना और शुरुआती आवश्यकताओं को सिखाते हैं, अतः हमारे माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। जीवन का विकास सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। भावी जीवन का निर्माण गुरु द्वारा ही होता है। माता पिता ने जन्म दिया, पर गुरु ने जीवन जीने की कला सिखाई है। ज्ञान चरित्र और संस्कार की हमने शिक्षा गुरु से पाई है। माटी से मूरत गढ़े सदगुरु फूके प्राण, कर अपूर्ण को पूर्ण गुरु भाव से देता त्राण। गुरु अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जीवन के सत्य की प्राप्ति का मार्ग गुरु के बताए मार्ग से ही संभव है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं और सही मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्ता करे न कर सके गुरु करे सब होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु के महत्व यानी महिमा को भारतवर्ष के महान गुरु चाणक्य के उस प्रसंग से भी जाना जा सकता है। इतिहास में 376 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड गुरु चाणक्य की ख्याति पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय था। उधर सिकंदर संपूर्ण विश्व विजेता बनने का सपना लिए भारतवर्ष में प्रवेश कर रहा था। चट्टान की तरह खड़े सिकंदर का रास्ता रोके राजा पोरस का झेलम नदी के तट पर महासंग्राम चल रहा था। इधर पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा राजा घनानंद सब कुछ छोड़ छाड़ कर सूरा सुंदरियों की अयासी में डूबा हुआ था। पूरे भारत वर्ष पर सिकंदर का खतरा मंडरा रहा था। पाटलिपुत्र उस समय सैन्य शासन से लेकर धन संपदा में संपन्न था। इस खतरे को भांपकर
चाणक्य का पाटलिपुत्र में प्रवेश होता है। चाणक्य घनानंद को समझाने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं को एक होकर सिकंदर से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन घनानंद को कहां इसकी परवाह। बदले में घनानंद चाणक्य को अपमानित कर पाटलिपुत्र से निकल जाने का आदेश देता है। निकल जाओ धूर्त ब्राह्मण चाणक्य मेरे पाटलिपुत्र से, वरना कारागृह में डाल दिए जाओगे। इस पर गुरु चाणक्य ने एक गुरु की ताकत का एहसास कराते हुए घनानंद को चुनौती देते हुए कहते हैं, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता घनानंद, निर्वाण और पतन उसके गोद में पलते हैं। यदि मेरी शिक्षा में सामर्थ्य होगी तो मैं ऐसे सम्राटों का निर्माण स्वयं करूंगा जो तुम्हारे जैसे दुष्ट राजाओं का नाश कर संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा। और यह शब्द अखंड शब्द बन गया, मानो ब्रह्मा की लकीर बन गई, और ऐसा ही हुआ। उधर अपने कूटनीति एवं राजनैतिक कौशल से गुरु चाणक्य ने सिकंदर को भारत छोड़ने पर विवश कर देते हैं। और इधर एक गुलाम बालक चंद्रगुप्त को गरेरिये से मुक्त कराकर तक्षशिला ले जाते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं और एक महान योद्धा बनाते हैं, जो पाटलिपुत्र के राजा घनानंद को मारकर नंद वंश का संपूर्ण नाश कर पाटलिपुत्र के राजगद्दी पर बैठता है और महान सम्राट चंद्रगुप्त कहलाता है। कई वर्षों तक संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करता है। यह है एक शिक्षक की शिक्षा का सामर्थ्य, उसकी ताकत। और यह सामर्थ्य और ताकत प्रायः हमारे देश के सभी शिक्षकों में भरा पड़ा है। बस जरूरत है तो अपने तेज और अपने अंतर्मन के दीपक को जलाने की, अपनी शिक्षा से ज्ञान रूपी गंगा बहाने की, जिससे कि आने वाले सुंदर कल एवं सुनहरे भविष्य का निर्माण हो सके, हमारी आपसी प्रेम और सौहार्द परवान चढ़ सके, देश प्रगति के राह पर तेजी से आगे बढ़ सके और शिक्षक के महत्व को पुनः स्थापित किया जा सके। धन्यवाद।